एक सेल और घड़ी पर लिखे क्वार्ट्ज में क्या रिश्ता है? सेल से निकलने वाली बिजली घड़ी के अंदर मौजूद ट्यूनिंग फोर्क के आकार के क्वार्ट्ज क्रिस्टल को वाइब्रेट कराती है और इन्हीं वाइब्रेशन को गिनकर घड़ी समय का पता लगाती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ घड़ी के द्वारा समय बताने की सटीकता घटती जाती है, और ऐसा क्यों? चलो उसे जानने के लिए लेते हैं एक उदाहरण। अगर हम एक ही कंपनी के द्वारा बनाई गई दो सेम घड़ियों को आमने सामने रखकर समय को नापें तो दिन के अलग अलग हिस्सों पर उनमें बताया जाने वाले समय में फर्क जरूर आएगा, चाहे वो फर्क कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आएगा जरूर, और इसी अंतर को क्लॉक ड्रिफ्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी घड़ी मेरी घड़ी अलग अलग समय बता रही है तो किसकी घड़ी सही है? यही है आज का सवाल। बताइए किस घड़ी को रेफरेंस मानकर हम दुनिया की सभी घड़ियों का समय बदलते हैं।